हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली दोस्तों, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू KTM की RC390 2023 वेरिएंट। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस बाइक की वीडियो को लेकर, मैंने एक रिव्यू डाली थी लेकिन वो वीडियो मैं प्रॉपर नहीं बना पाया था, तो आज आपको इस वीडियो में बाइक के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट है, क्या नया कुछ KTM ने इस बाइक पे डाला हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस बाइक के बारे में आपको एक एक चीज़ें कंप्लीट बताऊँगा, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी होगी। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई, अपना जो शोरूम है एज ऑलवेज अच्छा KTM कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, बाइक खरीद में जाकर खरीद। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। RC390 आपको क्या प्राइस देखने को मिल रही है, आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस कम होते हैं। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस है 372,000, 3,72,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब दोस्तों आप लोग भी सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रिव्यू में। सबसे पहले तो अगर बात करें दोस्तों इस बाइक के नई चीज़ों के बारे में, तो भाई यहाँ पे तो बाइक पूरी तरीके से चेंज हो गई है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको सेम नहीं मिलती, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। डिज़ाइन, लुक, सब कुछ चेंज हो चुका है। बाइक का जो फ्रंट डिज़ाइन है वो पूरा चेंज है। साइड बाई साइड डिज़ाइन भी देखेंगे तो वो भी चेंज है। रियर की जो टेल है वो भी आपको पूरी चेंज देखने को मिलती है। चलिए अब आ जाते हैं रिव्यू। सबसे पहले आ जाते हैं इस बाइक के फ्रंट। दोस्तों सबसे पहले आप फ्रंट में देख पा रहे हैं कि बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि ये 390 का MotoGP एडिशन है, तो आपके विंडशील्ड जो है ब्लैक शेड के साथ में देखने को मिलती है, विच इज़ वेरी लुकिंग गुड। एंड आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो इंडिकेटर्स मिलते हैं, पहली वाली जो RC आती थी ना उसके मिरर में इंडिकेटर आता था, बट इस वाली में डायरेक्ट आपको विंडशील्ड में जो है इसके देख पा रहे हैं, यहाँ पे फेयरिंग में जो इंडिकेटर है वो मिलता है। ये बाइक की DRL लाइट है। मेन लाइट में बाइक में आपको LED सेटअप में जो लाइट है वो देखने को मिलती है। जो पुरानी वाली RC की प्रोजेक्टर लाइट थी ना भाई, वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी काफ़ी ब्राइट थी। ये अच्छी लगती है बट वो भी बहुत ब्राइट थी, मैंने अच्छी नोटिस की हुई। बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में आपको बाइक में WP के FX वाले 43mm के अप से डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन यार इसके बहुत ज़्यादा प्रीमियम, इवन अगर आप सोवा से भी कंपेरिजन करें तो उसके पूरे टक्कर के सस्पेंशन आपको ये मिलेंगे। बात करें फ्रंट टायर के बारे में, फ्रंट टायर आपको 110/70 का देखने को मिलेगा। 110 नहीं आता शायद, 110/70 के टायर मिलते हैं और इसमें मैजलर के टायर मिलते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। स्पेशल फीचर में दोस्तों इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। ये ABS है जो कि डुअल चैनल ABS है। और प्लेट देख रहे हैं, प्लेट भी पूरी नहीं है। पहले यहाँ बीच में सपोर्ट वाली प्लेट आती थी बट इन्होंने प्लेट हटा दी है और प्लेट साइज जो है वो 320 की प्लेट मिलेगी। प्लस बाइक में आपको 4 पिस्टन कैलिपर्स में मिलता है और जो ब्रेक पैड्स मिलते हैं वो भाई सिरेमिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रेक पैड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जो विच इज़ कॉस्ट अराउंड 2500 to 33,000, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन में बाइक में कोई चेंज नहीं है, एज ऑलवेज पहले की तरह सेम, वही आपको 373.3 cc का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DOSC जो लिक्विड कूल इंजन है